4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर. इस बार कॉन्वेक्स है ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है. कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है ये हम लोग पढ़ चुके हैं. और प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर है यू इज ऑलवेज नेगेटिव. यू इज ऑलवेज नेगेटिव वाली बात इवन लेंसेज में भी जाकर ट्रू हो रहेगी. गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन. ठीक है भाई, यानी कि इमेज हमें कहां बन रही है ये बताना है. v बताना है पहले की ही तरह 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. 1 by f है plus 15, 1 by v निकालना है, u है minus 12, ये भी उस साइड जाएगा. 1 by 15 plus 1 by 12 is equal to 1 by v. ठीक है, 180, ये बंदा 60 से ही हो जाएगा यार, वापस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. 4 और 12 पंचे 60, तो दिस वी विल कम आउट टू बी 60 by 9, यानी कि 20 by 3, यानी कि वी आ जाएगा 6.666666, यानी कि 6.7 सेंटीमीटर. इस बार ये प्लस में होगा, पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव है तो ये कैसी इमेज होगी. दिस विल बी बिहाइंड द मिरर. बिहाइंड द मिरर इससे भी कंफर्म हो रही है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है. कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनती है, हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है. आपसे साइज भी पूछा गया है यहां पर. गिव द लोकेशन एंड ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन, यानी कि मैग्निफिकेशन अगर हम निकालना चाहें तो हो जाएगा माइनस वी बाई यू. आई बाई ओ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई भी नहीं पता है और ओ भी नहीं पता है, तो अब कर ही नहीं पाएंगे. वी क्या है, प्लस 6.7, लेकिन आप प्लस 6.7 ना लिखकर चालाकी से 20 by 3 लिखिए, आपको दिक्कत कम होगी. और u क्या है, माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 20 by 3, 12 by 1 रेसिप्रोकल होके 1 by 12 हो जाएगा. यार ये प्लस हो गया ना एक दूसरे की से, ठीक है. अच्छा, अब मैग्निफिकेशन यहाँ पे, यानी कि ये छोटी इमेज बनेगी. 4 × 12 और 4 × 5 = 20. 5 by 9 इज द मैग्निफिकेशन. ठीक है, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट भी नहीं होती है, तो यही आंसर हो गया हम लोगों का, 5 by 9 मैग्निफिकेशन. अब आखिरी बात ये लोग क्या पूछ रहे हैं, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट को मिरर से अगर दूर कर लिया जाए तो क्या होगा. द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर, है ना. इसको यार आप, ये तो प्लेन मिरर में भी होता है, आप खुद दूर जाएंगे इससे तो वो भी दूर हो जाएगा, है ना. द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर, लेकिन याद रखिएगा आप कितना भी दूर जाएं, इमेज कभी भी फोकस के आगे नहीं जाएगी. तो जैसे जैसे ये यू बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी की तरफ जाएगा, वैसे वैसे वी फोकस की तरफ टेंड करेगा. और अगर इनफाइनाइट यू हो जाता है तो उस केस में जो इमेज होगी वो फोकस पर बन जाएगी. जब फोकस पर इमेज बनेगी तो वो हाईली डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल होगी, मैग्निफिकेशन हमारा जीरो होगा.